नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली इंडियन में। नरेंद्र मोदी ने सेना की शहादत का बदला लिया है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि अक्सर सेना पर सवाल खड़ा करना विपक्ष काम है, लेकिन वहीं पर आज जब नरेंद्र मोदी ने खुली चुनौती दी है पाकिस्तान को, और अमेरिका ने भी फटकार लगाई है पाकिस्तान के आतंकवाद को, पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, एक लाइक सेना के नाम, कमेंट में जय हिंद सेना की शहादत पर जरूर मेंशन कर दीजिए, ताकि हमारे सेनानियों को गर्व महसूस हो। पाकिस्तान के आतंकवाद के आज चीथड़े उड़ गए हैं। पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए किस तरह से पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है। एलओसी पर सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। बता दूं आपको, अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई है। भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को धोने काम शुरू कर दिया है, और भारत और अमेरिका मिलकर अब पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म करने की घोषणा कर चुका है। बता दूं, अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त फटकार लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से भारत में आतंकवाद को भेजना फौरन बंद करे। ये अमेरिका के शब्द हैं। अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भारत की जमीन पर अब पाकिस्तान का आतंकवाद गया तो हम ड्रोन छोड़ देंगे। जैसे हमने सुलेमानी कमांडर की हत्या ईरान में जाकर कर दी है, वैसे ही हम पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को ठोक देंगे। बता दूं आपको, आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका हमेशा से सख्त रहा है, और भारत इसीलिए पाकिस्तान से बात नहीं करता है। भारत सरकार का हमेशा कहना रहा है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है, लिहाजा पहले पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकियों को खात्मा करे, उसके बाद भी भारत पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए राजी होगा। उधर व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम भारत की जमीन पर आतंकियों को भेजे जाने का सख्त विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। हम पाकिस्तान को कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का फौरन लगाम लगाते हुए भारत में आतंकवाद फैलाना बंद करे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और मानता है कि एलओसी पार से भारत में आतंकवादियों को भेजना बंद किया जाना चाहिए। अगर आप दोबारा पाकिस्तान का आतंकवाद भारतीय सरहद में आता है, भारत की जमीन पर आता है, तो सीधे ठोकने का आदेश है। आतंकवाद पर सख्त जो बाइडन का बयान मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मानवाधिकार को सपोर्ट करने वाला जो बाइडन, प्रशासन का रुख आतंकवाद को लेकर हमेशा से सख्त रहा है। यह भी माना जा रहा था कि आतंकवाद की पाकिस्तान पॉलिसी कि अमेरिका आलोचना करेगा, और यही हुआ है। आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने सीधी वार्निंग दे दी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इमरान खान अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और शनिवार को पता चलेगा इमरान खान अपनी सत्ता बचा पाएंगे या फिर सत्ता गंवा देंगे। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी सीज फायर का स्वागत किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत और पाकिस्तान आपसी बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाए। हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई कुछ भी नहीं कहा गया कि कश्मीर को लेकर अमेरिकी की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इमरान रहेंगे या जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान रहेंगे या जाएंगे। अमेरिकी फटकार के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार पाकिस्तान की संसद में विश्वास मत हासिल करने जा रही है। इसके लिए शनिवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया गया है। इमरान सरकार में विज्ञान और तकनीकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने, प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने इमरान सरकार के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख को हराया है। इस्लामाबाद सीट को इमरान खान ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा था, और अब्दुल हफीज के लिए खुद भी प्रचार करने पहुंचे थे। इमरान खान दावा करते हैं कि इस्लामाबाद सीट पर उनके प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और विपक्ष के लिए यहाँ पर कोई मौका नहीं है। अब यही दावा इमरान खान के लिए मुश्किल बन चुका है, और कल पता लग जाएगा कि इमरान खान रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इस बात की तो मुहर लग गई है कि पाकिस्तान का आतंकवाद तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आज अमेरिका और भारत ने हाथ मिला लिया है और पाकिस्तान के आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की मुहिम उठा ली है। और नरेंद्र मोदी
जिस तरह से सेना की शहादत का बदला लेने से नहीं हटते। कल भी हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि हमारे 3 जवान कल शहीद हुए थे, जिनकी शहादत का बदला कुछ यूं तरीके से लिया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। कल पता लग जाएगा इमरान खान को कि वो प्रधानमंत्री लायक हैं या नहीं, क्योंकि सीरिया टर्की से आतंकियों को शरण देना पाकिस्तान का पैसा बन चुका है। $2,000 सैलरी दी जा रही है, आतंकवाद को पालने के लिए इतना पैसा इमरान खान कहां से खर्चा कर रहे हैं? यानी कि एक देश भारत, भारत को मिटाने के लिए पाकिस्तान करोड़ों डॉलर खर्च कर दे रहा है सिर्फ आतंकवाद को पनाह देने के लिए, लेकिन जब अमेरिका और भारत सामने आया है तो इमरान खान की कुर्सी डगमगा गई है। यानी कि कल धड़ाम से गिरने वाले इमरान खान। आप भी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जय हिंद तो ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि सच्चाई जनता के सामने पहुँचे। आज इमरान खान के आतंकवाद पर अमेरिका ने भी रोक लगा दी है। अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर पाकिस्तान अपने आतंकी को भारतीय सीमा में भेजता है तो इसका परिणाम पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। पाकिस्तान आग बबूला है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, चीन का गुलाम पाकिस्तान, अब अपने आतंकवाद को ख़त्म करना ही पड़ेगा, मजबूरी में उसको ख़त्म करना ही पड़ेगा, अन्यथा रिजल्ट क्या होगा वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। चलिए आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें, मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के, इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।